जबलपुरा में मलिक के बगीचे में अवैध अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और अधिकारियों पर पथराव और हमले के बाद फैली हिंसा में कुल 2 लोगों की जान जा चुकी है, वहीं 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बीते गुरुवार को मदरसे और धार्मिक स्थल तोड़ने के दौरान भारी बवाल मच गया था। गुस्साई भीड़ ने बनभुलपुरा थाना जो थाना है उसे भी आग के हवाले कर दिया। वहीं तनाव को देखते हुए जिले के सभी दुकानों को बंद करने के निर्देश दिए गए। हिंसाग्रस्त इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। उपद्रवियों के पैर में गोली मारने के आदेश जारी किए गए। साथ ही शहर में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। पूरा हल्द्वानी शहर छावनी में तब्दील हो गया है। इस हिंसा के बाद पूरे उत्तराखंड में हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो ये देखिए 4 तस्वीरें हैं, पत्थरबाजी, गाड़ियों में आगजनी की, प्रशासन से झड़प की और बुलडोजर की कार्रवाई की। ये 4 तस्वीरें ये बता रही हैं कि कैसे यहाँ पे पूरा हल्द्वानी जो है वो कैसे हिंसा की चपेट में आ गया, कैसे यहाँ पे प्लानिंग के तहत पथराव किया गया। आला अधिकारियों की तरफ से ऐसा कहा गया, कहीं आगजनी हुई, कहीं पत्थर बरसाए गए, कहीं पुलिस के साथ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ झड़प की गई। और ये अगली 5 तस्वीरें जिसमें एक तरफ बुलडोजर की कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है और ये वाहन जिनको आग लगा दी गई, जो जले हुए वाहन दिखाई दे रहे हैं, प्रशासन के साथ झड़प होती हुई दिखाई दे रही है लोगों की और आगजनी में कई वाहन राख हो गए, कई गाड़ियां जल के राख हो गई। ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही है। 2:03 अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई, कैसे हालात बिगड़े ये आपको बताते हैं। और बनभुलपुरा थाने के पास टीमें जुटने लगी, जिसके बाद 4 टीम पुलिस फोर्स के साथ रवाना हुई, क्योंकि हालात धीरे धीरे तनावपूर्ण होते जा रहे थे। और 4:30 पे टीम मलिक के बगीचे में पहुंची। ये देखिए एक तरफ आगजनी, हालात कैसे बेकाबू हुए। देखिए आज शाम लगभग 4 एक हल्द्वानी में बनभुलपुरा इलाके में जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम जो है वो माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही थी। तो उस कार्रवाई के विरोध में वहाँ कुछ उपद्रवी अराजक तत्वों द्वारा पथराव किया गया, आगजनी की गई और उनके पास शायद ये भी सूचना है कि अवैध असलहों से। तो लोगों ने पुलिस की बैरिकेडिंग हटानी शुरू की, यानी धीरे धीरे यहाँ पे हालात बिगड़े। जब अवैध अतिक्रमण को हटाने गई प्रशासनिक टीम पर ही फिर हमला हुआ, पथराव हुआ, उसके बाद हालात इतने बिगड़ गए कि उसे काबू करने के लिए ही कई घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी। कहीं आगजनी हुई, कहीं पे पत्थरबाजी हुई, कहीं पुलिस के साथ झड़प करते हुए लोग दिखाई दिए, शरारती तत्व दिखाई दिए, अराजक तत्व दिखाई दिए, हंगामा हुआ, पत्थरबाजी हुई, अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई वैसे ही हालात वहाँ पे तनावपूर्ण हो गए। तो प्रदर्शनकारियों ने JCB में तोड़फोड़ की, वहाँ कई वाहन थे उनको आग लगा दी, वो राख हो गए और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी दागे ताकि हालात को काबू किया जाए, प्रदर्शनकारियों को वहाँ से खदेड़ा जाए, जो हिंसा कर रहे थे उनको वहाँ से हटाया जाए। उपद्रवियों ने कई वाहनों में आग लगा दी, उनकी भी तस्वीरें सामने आई। मीटिंग की सबसे पहले हमने जो अब तक की जो घटनाक्रम हुआ था उसके बारे में जानकारी ली और उसके बाद हम लोग अस्पताल गए, वहाँ घायलों को देखा जो लोग एडमिट थे, सीरियसली इंजर्ड थे। और उसके बाद हम लोग जो कल थाने का घेरा हुआ था, थाने के बाहर जो आगजनी की घटना हुई थी उसका जाकर स्थल का निरीक्षण किया। तो इस सबके बाद जो विचार विमर्श हुआ है, जो हमको फीडबैक मिला है उसके बाद हमारा 2 प्रायोरिटीज है। एक तो सबसे पहले कि हल्द्वानी शहर में जल्द से जल्द नॉर्मलसी रिस्टोर की जाए, जो अभी कर्फ्यू है कई जगह, मतलब जो बाजार बंद कराया गया है वहाँ सामान्य जीवन जो है उसको तुरंत
जल्द से जल्द हम रिस्टोर करेंगे, कोशिश करेंगे कि विद इन 24 आवर्स स्थिति बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। दूसरा जो हमारे लिए प्रायोरिटी है कि इस घटना के पीछे जो भी मिस्क्रिएंट एलिमेंट्स थे, जिन्होंने कल पुलिस पार्टी पर पथराव किया, पेट्रोल बम फेंके, वेपन से गोली गोली चलाने के लिए हमारे पास सूचना है, उनको चिन्हित करके और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मीटिंग हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा को लेकर के नगर निगम टीम पर जिस तरह से पथराव हुआ था, उसके बाद अगर बात की जाए जो मौके पर यहां पर लोग थे, जिस तरह से वहां पर स्टार्टिंग हुई है, जो कार्रवाई चल रही थी, उस बीच किस तरह से पत्थरबाजी शुरू हुई, ऐसा हुआ, हम लोग खड़े थे, खड़े होने के बाद एकदम छतों पर से पत्थर आए, फिर एकदम वो मतलब पुलिस भी वो कर रही थी, पर उसके बाद में कुछ नहीं हो पाया, फिर एकदम बहुत लोग मार रहे थे, पत्थर शीशे मार रहे थे कांच के। कितने लोग नगर निगम की टीम के घायल हुए? कम से कम 100, काफी लोग हैं, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। कितने लोग मृतक के अभी तक माने जा रहे हैं? 6 मृतक की तो नहीं पता, उसकी नहीं पता। कितने लोग थे आपके साथ की, कौन कौन टीम के सदस्य? हमारी टीम के लोग बहुत थे, वो पता नहीं, दो तो हमारे एक हेल्पर था मेरे साथ का, एक डिलीवर था, उनका पता नहीं अभी कहाँ है, कहाँ नहीं है, अभी उनका कोई पता ही नहीं है कहाँ पर है। हाँ, उनका नहीं पता सर अभी। कि कहा जा सकता है कि जिस तरह से नगर निगम की टीम के कई लोग अभी तक गायब हैं और उनका पता तक नहीं है, लेकिन पुलिस प्रशासन की बात की जाए, प्रशासन का फेलियर यहां देखने को मिल रहा है। खुद एसएसपी की बात की जाए तो एसएसपी स्टेज को चैलेंज करते हुए कहा है उन्होंने कि यहां पर जो दंगाई है, उन्होंने स्टेट सरकार को चैलेंज किया, लेकिन माना जा सकता है कि जिस तरह से नगर निगम की टीम के कई सदस्य अभी तक गायब हैं, उनका पता नहीं है, और माना जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोग घटना में घायल हुए हैं, जो दंगाई है उनके खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं अभी तक की अगर बात की जाए, महज 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, और उसी के साथ 4 दंगाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ चल रही है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि दंगाई लोकल के हैं या फिर बाहर से बुलाए गए थे। अगर बात की जाए, एक समुदाय के लोगों ने मिक्सित आबादी में जाकर के भी उत्पाद किया है, जिसको लेकर के जिला प्रशासन ने वहां पर जो स्थिति है उसको मौके पर पहुंचकर कायम रखा है, लेकिन मान सकते हैं कि बड़ा दंगा पनपने की तैयारी में है, जुम्मे की नवाज है। और उसके बाद सूत्रों की अगर बात की जाए तो आज फिर यहां पर एक बड़ी घटना हो सकती है। हल्द्वानी में हुई हिंसा पे डीएम वंदना सिंह ने दावा किया है कि हिंसा की पहले से प्लानिंग थी, छत पे पत्थर इकट्ठा किए गए थे, हाईकोर्ट के आदेश से अतिक्रमण हटाया जा रहा था, यह अतिक्रमण हटाने की सामान्य प्रक्रिया थी। जिलाधिकारी ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के दौरान आसपास की छतों से पुलिस पर पथराव किया गया और पेट्रोल बम से वाहनों में आग लगाई गई। उन्होंने बताया कि पुलिस थाने के अंदर पुलिस वालों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई, पुलिस कर्मियों को थाने के अंदर से बाहर ही नहीं निकलने दिया गया और थाने के रिकॉर्ड रूम को भी जलाने की कोशिश की गई ताकि सारे रिकॉर्ड जला दिए जाए। अभी जो हल्द्वानी में बनभूलपुरा क्षेत्र में नगर निगम की एक प्रॉपर्टी है, उस पर इंक्रोचमेंट है काफ़ी लंबे समय से, उसके लिए क्योंकि हमारी लगातार इंक्रोचमेंट रिमूवल की ड्राइव पूरे हल्द्वानी में चल रही है, तो यहाँ पर भी एक नोटिस दिया गया था 30 तारीख को, एक नोटिस दिया गया था कि स्ट्रक्चर इलीगल है, नगर निगम की लैंड पर बना है, आप लोग इसको हटा लें स्वयं, अन्यथा बलपूर्वक इसको नगर निगम के द्वारा हटा दिया जाएगा। 30 तारीख को नोटिस दिए जाने के बाद संबंधितों के द्वारा उसको नहीं हटाया गया, उसके बाद एक डेट फिक्स करी गई 3 दिन बाद की, और उसमें जब डिमोलिशन ड्राइव की पूरी तैयारी हो गई थी उसके बाद संबंधित जो पक्ष हैं उन तो हल्द्वानी हिंसा पे डीएम का दावा है कि ये धार्मिक हिंसा नहीं है, ये पहले से प्लानिंग करके ऐसा किया गया। और हिंसा की पहले से प्लानिंग थी यह भी जिलाधिकारी ने कहा। तो हल्द्वानी हिंसा पे न्यूज वन इंडिया के भी सवाल हैं। सवाल यह कि हिंसा की आग किसने भड़काई, आखिर इसका मास्टरमाइंड कौन है? तो न्यूज वन इंडिया के हल्द्वानी हिंसा पे यह सवाल कि हिंसा की आग किसने भड़काई और इसका मास्टरमाइंड कौन है? हिंसा की साजिश थी तो इसकी भनक प्रशासन को क्यों नहीं लगी? अगर इतना कुछ हो रहा था, इतनी प्लानिंग हो रही थी, तो फिर इसकी भनक पहले से क्यों नहीं लगी? सवाल यह भी कि पुलिस प्रशासन, खुफिया विभाग नाकाम क्यों हुआ?